पहली जो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो डील करती है किसके साथ, प्लेन लैमिना के साथ। प्लेन लैमिना क्या चीज़ होती है, व्हाट इज अ प्लेन लैमिना? इट इज जैसे आपकी शीट ऑफ पेपर है ना, ये जो होता है ना पेपर जैसे, है ना पतला, जैसे तुम्हारी कॉपी का जो एक पेज है, इसको कह सकते हैं प्लेन लैमिना। क्या कहते हैं इसको? प्लेन लैमिना, ठीक है। तो ये जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है प्लेन लैमिना के साथ डील करती है। ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरह से प्लेन लैमिना है, ठीक है, मान लो इस तरह से तुम्हारे पास प्लेन लैमिना है, और मान लो तुमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट, अब ये मान लो ये प्लेन लैमिना पेज है, मान लो ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ये रोटेट कर रहा है तो किसी ना किसी एक्सिस के अराउंड तो अबाउट तो रोटेट कर ही रहा होगा, है ना। तो ऐसा एक सिनेरियो है, मान लो एक प्लेन लैमिना है और वो रोटेट कर रहा है, मान लो किसी भी एक्सिस के अराउंड, मान लो चलो जेड एक्सिस के अराउंड मान लेते हैं, ठीक है। तो एक प्लेन लैमिना है, वो जेड एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब हमने क्या करना है, और ये थ्योरम क्या बोलती है, कहती है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दैट एक्सिस, यानी कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। ध्यान से सुनना कि ये मान लो ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है, ये मान लो ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक, ये ओ मान लो, ये जेड मान लो, तो ये जेड एक्सिस आ गई। तो अगर इसके अराउंड, अगर इसके अबाउट, इसके अराउंड अगर क्या चलता है ये बॉडी, ये प्लेन लैमिना मूव कर रहा है, तो कहता कि ये जो तुम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे ना, देखो ध्यान से समझना, और आपने क्या करना, मैंने कहा ना जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ उसको तुम फिर समझना और रीड करने की कोशिश करना, थ्योरम की स्टेटमेंट पूरी की थ्योरम अपने आप समझ आ जाएगी। देखो व्हाट इज आई, इट इज अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यही है, ठीक है। किसके अबाउट निकाल रहे हो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है तो किसी किसी एक्सिस के अबाउट निकालना होता है, क्योंकि कोई बॉडी कहीं ना कहीं किसी एक्सिस के अराउंड में मूव कर रही होती है, ठीक है। अब देखो तो हम क्या निकाल रहे हैं, दिस इज आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका निकालने वाले हैं, देखो नोट्स में है ना यहाँ पे लिखा होगा ऑफ अबाउट, वो आपने सिर्फ एक याद करने की टेक्निक है, उसको तुमने लिखना नहीं ऐसे एग्जाम में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालने वाले हो, ऑफ, ये ऑफ तुम पेपर में मत लिखना, सिर्फ मैं याद करने की तरीका सुना रहा हूँ, पूरी डेफिनेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाल रहे हो, प्लेन लैमिना की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, जैसा कि तुम्हें पता है प्लेन लैमिना, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना किसके अबाउट, किसके अबाउट, अबाउट जेड एक्सिस, देखो उसको पढ़ते कैसे है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, आगे इज इक्वल टू, कहता वो उसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, देखो यार बॉडी अगर रोटेट कर रही है इस तरह से, तो यार आप कह सकते हो कि इसके रिस्पेक्टिव जेड एक्सिस के अबाउट तो रोटेट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके अबाउट भी अगर हम उसको रिलेटिवली देखें तो मूव कर ही रही है, वाई एक्सिस के अबाउट भी मूव कर ही रही है ना, ये थोड़ी ही उनके अबाउट मूव कर रही है। तो ये कहता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, प्लेन लैमिना का, अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ किसका, इज इक्वल टू सम ऑफ व्हाट इज दिस आई, इज इक्वल टू सम ऑफ व्हाट इज दिस आई, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट प्लेन लैमिना, ठीक है, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, कौन कौन सी है वो देखो, ये देखो ये आ गया आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ये एक एक्स एक्सिस, ठीक है, ओ एक्स और ये वाई एक्सिस मान लो, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब आप तुम्हें यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा क्योंकि ये बेसिकली थ्री डी है, तो ये वाई इस तरह से है, तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कहता कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेसिकली वो किसके बराबर है, वो इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्लस के बराबर है, ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जो कि खुद म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उनको अगर तुम सम करोगे ना तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जो जेड एक्सिस के अराउंड आने वाला है। मेरे पास समझ आई, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ, ये सम किया मैंने, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट, अबाउट ये एक्स और वाई एक्सिस को कैसी है, अबाउट टू, ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है ना भाई, ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, और एक लाइन इसमें और ऐड करते हैं वो स्टेटमेंट में, विच आर मीटिंग एट ए पॉइंट, ये देखो ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कहां मीट कर रही है, ओ पे वो मीट कर रही है ना, विच आर मीटिंग एट ए पॉइंट फ्रॉम वेयर द जेड एक्सिस पास थ्रू इट, ठीक है ना, विच आर मीटिंग एट ए पॉइंट वेयर जेड एक्सिस पास थ्रू इट, कि ये दो जहां पे मिल रही है ना वहां से जेड एक्सिस भी पास होनी चाहिए, ये नहीं कि जेड एक्सिस कहीं और है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, समझ रहे हो बात, ऐसा नहीं है ना कि मान लो ऐसा हो जाए, मान लो ये आ गया ओ, ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई, ठीक है, और जेड कहीं यहाँ है, तो ये नहीं, ये और ये सब कुछ मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये इसलिए लास्ट लाइन से इसलिए बोली हुई है, समझ आया। देखो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या बोला मैंने बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ किसका, प्लेन लैमिना, ठीक है, प्लेन लैमिना, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन अबाउट अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस, आगे क्या लिखा, इज इक्वल टू सम ऑफ, फिर पहले प्लस डाला था ना, सम ऑफ, आगे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ, ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस और म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मीटिंग एट ए पॉइंट, जो कि मिल रही है, ठीक है, मीटिंग एट ए पॉइंट, मीटिंग एट अ पॉइंट, बताओ शाबाश, हाँ, वेयर जेड एक्सिस पास थ्रू इट, है ना, वेयर जेड एक्सिस पास थ्रू इट, बस ये है इसकी स्टेटमेंट। देखो बिना समझे और बिना थोड़ी सी ट्रिक के बिना तुम ना इसको याद करना बड़ा मुश्किल सा होता है, ठीक है, अगर आप इसको रीड करना सीख चुके हो तो यार स्टेटमेंट अपने आप ही आ गई, इसमें क्या ही हमें एफर्ट्स लगानी पड़ी क्या, सिंपल है, ठीक है ना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट एज दैट एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ, पहले प्लस लिखा था मैंने, बस इसको याद रखना, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस विच आर मीटिंग एट ए पॉइंट फ्रॉम वेयर जेड एक्सिस पास थ्रू इट, ठीक है ना, इस तरह से इसको याद रखना है। अच्छा अगर थोड़ा सा इसको लिखना हो, जैसे ये बनाया मैंने, तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, ये तो है इसकी स्टेटमेंट, यही है स्टेटमेंट किसकी, हाँ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की, यही स्टेटमेंट है इसकी। अच्छा ये क्या कंसीडर किया मैंने, लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर किया भाई साहब, एक प्लेन लैमिना ले लिया मैंने, है ना, देयर इज अ प्लेन लैमिना, देयर इज अ प्लेन लैमिना, ठीक है। अच्छा ये कर क्या रहा है, प्लेन लैमिना रोटेट कर रहा है, किसके रोटेट, रोटेटिंग अबाउट, हाँ रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है जी। अच्छा ये ओ वाई, दैट इज ऐसे लिखते हो, ओ जेड एक्सिस, है ना, ओ जेड। अच्छा ये ओ एक्स और ओ वाई क्या है बताओ, हाँ ओ एक्स एंड ओ वाई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, अरे वही है, फिर से ऐसे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। अच्छा ओ पॉइंट क्या है, ओ इज द पॉइंट वेयर दीज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड द लाइन हाँ फ्रॉम जेड एक्सिस पास थ्रू इट, तो उसको भी लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे लिख दो, द पॉइंट ओ इज अ पॉइंट वेयर दीज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मीट, दीज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मीट, है ना, और क्या कर रहा है मीट, इस पर मीट विद द जेड एक्सिस, है ना, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस किससे मीट कर रही है, जेड एक्सिस के साथ मीट कर रही है, और क्या। अच्छा एक चीज और लिखी मैंने डायग्राम में, क्या बनाई है, आई जेड आई एक्स आई वाई, ये क्या चीज है, आर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सही है ना, सिंपल है। नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है भाई साहब, बताओ, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है, ये कहता है कि आई जेड शुड बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, समझ आया, ये तो मैंने ऑफ अबाउट इसलिए लिखा ताकि तुमको याद करना आसान हो, ये स्टेटमेंट बनाना आसान हो, बस खत्म कहानी इसकी, क्यों मुश्किल थोड़ी है भाई है। तो ये है तुम्हारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, बहुत बार एग्जाम में आती है, वो स्टेटमेंट लिखनी है अपना, ये डायग्राम बनानी है और ये लिखना है, ठीक है, और इसको भी लिख सकते हो, ये जो मैंने आगे लिखा ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, बट इसको भी तुम लिख सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आया। देखो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, तुम इसको सिर्फ रीड करना सीखो, स्टेटमेंट अपने आप आ जाएगी, इसको देखो और डायग्राम को देखो, बस इस चीज़ को रटा मच रहा, अगर तुम इसको नहीं रीड करना नहीं सीख रहे हो, ये डायग्राम नहीं देखी हुई है और तुम सोचते हो तो डायरेक्ट इसको रटा चढ़ा के करोगे तो कभी भी नहीं कर पाओगे, बहुत बार बच्चे बस यही करते हैं, वो इसी को रटा चढ़ा रहे होते हैं और पता भी है पेपर में आना है तब भी इसको गलत लिख के आते हैं वो, ट्रस्ट में पता भी होता है उनको ये पेपर में आना है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, बट फिर भी वो गलत लिखते हैं, रीज़न यही है कि उसको इस ये थोड़ा सा उठपटांग जैसा होता है तो समझना मुश्किल होता है, तो उसको तुमने रीड करना सीखना है, द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है,
व्हाट इज आई मूवमेंट, देखो सिंपल, तुम इसको देख के तुम अभी एक मिनट में सुना दोगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसका, किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन लैमिना अबाउट किसके अबाउट, जेड एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ, समी क्या किसका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स वाई क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। आगे मीटिंग एट ए पॉइंट, वो दोनों को तो कहां मीट कर रहे हैं, मीटिंग एट ए पॉइंट वेयर जेड एक्सिस पास थ्रू इट, ठीक है, वैसे मीट कर रहे हैं जहां पे जेड एक्सिस भी पास हो रही है, समझ आई, तब जाके ये इक्वेशन होल्ड करेगी, समझ आ गया। तो सिंपल सा है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, मुश्किल तो नहीं लगा। इसी तरह से आपके पास एक और है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, तो कर दिया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मिटा दूं उसको,